कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल श्री राधा गोविंद देव की जय जगन्नाथ भगवान महारानी की जय श्री गौर नितय की जय शिल प्रभुपाद की जय हरि गौर प्रेमानंद हरि ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि शिगौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः सर्ववेदांत सारं हि श्री भागवतम् इष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित् आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनियस्तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण यां कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम पुमार्थ महान् श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतं इदं तत्रादरो न परम् मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरि यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधव। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के इस क्लास में स्वागत है। तो हम जो है ब्राह्मण पत्नी जो यज्ञ पत्नियों की कथा श्रवण कर रहे हैं भागवतम के 10वें स्कंद के 23वें अध्याय से। तो वहां पे यज्ञ पत्नियों ने जब भगवान के दर्शन कर लिए और उनको अपना जो भोजन पकाया हुआ था भोजन ग्रहण किया, भगवान ग्रहण करने लगे और जो है यज्ञ पत्नियां उनके दर्शन कर रही थी। इसके बाद में और उन्होंने प्रणाम किया, उसके बाद भगवान के स्वरूप की भी उन्होंने स्वरूप को देखा। पहली बार वो यज्ञ पत्नियां, ये कई कई जन्मों की तपस्या थी, उन कई कई जन्मों की तपस्या के कारण जो है यज्ञ पत्नी आज उनसे उनके दर्शन कर पा रही थी। यद्यपि उनके भाइयों ने पिताओं ने सबने जाने से मना किया था, फिर भी उनकी भगवान में ऐसी भक्ति थी और कई कई जन्मों की भक्ति थी और साथ में इस जन्म की भी भक्ति थी जिसके कारण वो भगवान के दर्शन कर पाई। भगवान का स्वरूप का वर्णन किया है, किया कि कल हमने सुना था कि उनका रंग श्यामल होता है जैसे फ्रेश मेघ, जो एकदम जिनका पानी बरसने वाला है ऐसे मेघ जो है उनका कलर जो होता है ऐसे ही भगवान का कलर होता है। वस्त्र सोना रहते हैं, मोर पंख पहने रहते हैं, फूल की गलियों का गुच्छा, जंगल के फूलों और पत्तियों की वनमाला,
इस तरीके से वो, और अपने मित्र के कंधे पे हाथ करके इस सुंदर शोभा का उन्होंने दर्शन किया, और उन्होंने दीर्घ काल से कृष्ण के विषय में सुन रखा था, इसलिए वे सारी सांसारिक आशाओं का परित्याग करके केवल कृष्ण के दर्शन करने के लिए आई थी। और भगवान ने उनका स्वागत किया और बोला कि हे परम भाग्यशाली महिलाओं, आपका स्वागत है, आप आराम से बैठिए और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आप मेरे दर्शन के लिए आइए, बहुत उपयुक्त है। तो बाद में बोलते हैं कि निश्चय ही वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो निश्चय कुशल वो लोग हैं जो अपने असली लाग को दे सकते हैं और मेरी अहेतु की तथा अविच्छिन्न भक्ति करते हैं, क्योंकि मैं सबकी आत्माओं को सर्वाधिक प्रिय। तो हम भगवान की जब अहेतु की कृपा मांगते हैं तो हमारी भक्ति भी अहेतु की होनी चाहिए। ये ध्यान रखने की चीज है कि हम नॉर्मली बोलते हैं कि भगवान की अहेतु की कृपा होनी चाहिए, बिना किसी कॉज के होनी चाहिए। तो हमारे बिना किसी कॉज के हो सकती है, लेकिन हमारी भक्ति भी बिना किसी कारण के होनी चाहिए, अहेतु की, इसमें शब्द किया गया अहेतु की भक्ति तथा अविच्छिन्न, जो टूटे नहीं, ऐसी भक्ति होना चाहिए। और भगवान बोलते हैं कि हर संसार में हर एक व्यक्ति दूसरे को प्रेम करता है, क्योंकि हर के अंदर आत्मा है, उस आत्मा के कारण ही कोई एक दूसरे को प्रेम कर पाता है। इसके बाद पत्नियां जो है, यज्ञ पत्नियां प्रार्थना करती हैं। जब यज्ञ पत्नियों को वापिस जाने के लिए बोला तो यज्ञ पत्नियां बोलती है कि भगवान आप ऐसा कटु वचन मत बोलिए, आपने तो वचन दिया, भगवद गीता में बोला गया है कि आप जो है जिसको अपने पास में लेते हैं वहां पर वापिस उसको नहीं भेज, वापिस जाने की बहुत ही संसार में जरूरत नहीं पड़ती, आपके भक्तों का विनाश भी नहीं होता है। तो ये सारी चीजें गोपियों ने प्रार्थना की, फिर गोपियों का और कृष्ण का कन्वर्सेशन हुआ था, बातचीत हुई, बहुत सुंदर थी, कल हमने सुनी थी। इसके बाद में गोपियां बोलती है कि हमने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया, और गोपियां यहाँ पे ये भी बोलती हैं, हम ये जो 25 से 28वें श्लोक में जो है गोपियों की प्रार्थना है, सुंदर प्रार्थना। इसके बाद गोपियां जो है भगवान से ये बोलती हैं, उनका बहुत डिस्कशन होता है भगवान से, बोलती है कि जब ये आत्मा की बात आती है तो गोपियां जो है भगवान से काफी देर तक डिस्कशन करती हैं। श्री कृष्ण जब उन गोपियों से बोलते हैं, ये लास्ट, इसके बाद कृष्ण क्या बोल रहे हैं उसके रिप्लाई में देंगे, तो गोपियों, सॉरी यज्ञ पत्नियों से, यज्ञ पत्नी, श्री कृष्ण ने जब उन यज्ञ पत्नियों से कहा, हे भाग्यवती ब्राह्मण पत्नियों, तुम्हारा आगमन अति मंगलदायी है, तुम आए, बहुत अच्छा किया, तुम लोग किस लिए आए हो और हम तुम्हारा क्या आदेश का पालन करें। तो नेचुरली प्रसाद देने आई थी, पर प्रसाद दे के जो भोग था उसको दे के फिर चली जाती, दर्शन करके चली जाती, लेकिन वहां पे खड़ी रही। तभी जो यज्ञ पत्नी से, जब भगवान ने ऐसा गोपियों से भी ऐसा प्रश्न पूछा था रास के, तुम यहाँ क्यों आए, उन्होंने बोला था हम आपकी मुरली की ध्वनि सुन के आए। तो यहाँ पे भी जो है भगवान मुरली की ध्वनि सुन के आए, यहाँ पे भी जो है भगवान इनसे बोल रहे हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आप मुझे दर्शन करने आई, बहुत अच्छा हुआ, अब आप जा सकते हैं। तो देखिए यज्ञ पत्नियां क्या बोलती हैं, और बाद में भगवान बोल भी रहे हैं कि हम तुम्हारे क्या आदेश का पालन करें, बताइए। तब उनकी दृष्टि ने ही श्री कृष्ण को कह दिया, तब वो अपनी दृष्टि से श्री कृष्ण से पूछ बोल रही है, क्या बोल रही है देखिए इनका कन्वर्सेशन ध्यान सुनिए। वो कृष्ण से बोल रही है कि हम किस लिए यहां पे आई हैं, क्या तुम नहीं जानते हो, क्या तुम हमारे कहने पे ही जानोगे। ये बोल नहीं रही मुंह से, लेकिन ये जो है वार्तालाप दृष्टि से कर रही, कृष्ण को आंसर पूछ रही कि आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप किस लिए आए हो और हम तुम्हारे क्या आदेश का पालन करेंगे। तो हम गोपियां अपनी दृष्टि से बोल रही,
कि आपको ये पता नहीं है कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं? क्या आप नहीं जानते? और क्या आप हमारे बोलने पे ही जानेंगे? निरंतर आप हमारे हृदय में निवास करते हैं और हमारे हृदय की भाषा को भी नहीं जानते हैं। तो कृष्ण के ऊपर थोड़ा सा वो ताना कस रही है, ये अपनी दृष्टि से कर रही। तो ये इनका प्रेम का वार्तालाप है। तो इसको प्रेम के वार्तालाप को उसी तरीके से समझना है, उसी तरीके से इसको सुनना है, ध्यान देना है कि हम भगवान तो भक्तों के हृदय में निवास करता है। तो इसलिए वो उनका कृष्ण जो यज्ञ पत्नी है उनका प्रश्न तो वाजिब प्रश्न है कि क्या, पहली बात तो क्या तुम नहीं जानते, क्या हमारे कहने पर ही जान पाओगे? दूसरा पूछ रही कि निरंतर हमारे हृदय में निवास करने पर भी आप हमारे हृदय की भाषा को नहीं जानते? क्या तुम्हारे विरह में हमारा हृदय आत्मनिवेदन करना भी भूल गया है? अब अपने हृदय को भी दोष दे रहे कि क्या तुम्हारे विरह में हमारा हृदय जो है आपको अपना आत्मनिवेदन करना भी भूल गया है क्या? अब उसके बाद और आगे जो कमेंट करती है वो ध्यान से सुनिए। ये उनके प्रेम का है, यज्ञ पत्नियों का। जिनका हृदय तुम्हें बहुत दूर छोड़कर बाहर चला गया है, जिनका हृदय तुम्हें बहुत दूर छोड़कर बाहर चला गया है और देह वो गेह में मतलब घर और परिवार में सुख में रहता है, उनके हृदय में तुम निर्लिप्त और निश्चित रूप से रह सकते हो। वहां पे आप आराम से रह सकते हो, वहां पे उनके हृदय में कोई आसक्ति की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे वो जगह ऐसा शरीर खाली है। जिनका हृदय घर परिवार और उसमें लग गया है सब कुछ, जिनका हृदय तुमको छोड़ के बहुत दूर चला गया है, जिनका चित्त हृदय तुमको छोड़ के बहुत दूर चला गया है और देह और परिवार में लग गया जिनका, वहां पे आप खाली जगह है, वहां पे आप निश्चिंत रूप से रह सकते हो, निर्लिप्त रूप से, किसी से अटैच होने की किसी से आसक्ति की जरूरत नहीं, क्योंकि हृदय खाली, वो शरीर खाली है, हृदय उन्होंने अपने घर परिवार भौतिक चीजों में लगा दिया, तो खाली जगह हो गई, आप वहां पे बिना अटैचमेंट के अपना ध्यान कर सकते हैं। किंतु जिनका हृदय बाहरी कार्यों को छोड़कर, जिन्होंने घर परिवार वाले सारे कार्य छोड़ दिए बाहरी कार्यों को छोड़कर, केवल तुम्हारी सेवा पाने के लिए जिनका हृदय उत्साह उद्विग्न और उत्कंठित रहता है, उनके हृदय में क्या कभी आप डिटेच्ड मतलब विरक्त रूप से रह सकते हो क्या? ये भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं दृष्टि के द्वारा। तो इसमें जो है ये इसका मीनिंग ये हो रहा है कि जब खाली हृदय है, तो यज्ञ पत्नियां बोलती खाली हृदय, जिन्होंने अपना हृदय कहीं बाहर लगा दिया है, भौतिक संसार में लगा दिया है, देह गेह है, गेह मतलब ग्रह होता है, इसमें किसी ने आसक्त कर लिया तो घर वो खाली हो गया है, तो खाली घर में आप आराम से जैसे तपस्वी साधु रहते हैं ऐसे रह सकते हैं, डिटेच से कुछ भी, क्योंकि इनका हृदय कहीं और लगा दिया। लेकिन जिन्होंने अपना हृदय सारी चीजों को छोड़ के आप में लगाया है, उनके हृदय में आप कभी बिना आसक्ति रह सकते हो क्या? वो जगह वहां पे डिटेच नहीं, वहां पे तो हृदय में आदान प्रदान होगा, प्रेम का आदान प्रदान होगा। तो इसलिए आप हमारे हृदय में से डिटेच वैरागी जैसे नहीं रह सकते, आपको हृदय की बात जानना पड़ेगा कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है, क्योंकि आप हृदय हमारे हृदय में विराजमान है, आप वहां पे निर्लिप्त योगी तपस्वी जैसे मत बैठिए हमारे हृदय में, हमारे हृदय की बात को जानिए। तो बहुत ऊंची चीज बोल रहे हैं, ये खाली हृदय नहीं है हमारा, तो इस तरीके से करें। और आगे बोलती है श्याम सुंदर, तुम हमसे पूछते हो कि हम किस लिए यहां पे आई? यदि हमारे हृदय ने तुम्हें कुछ नहीं कहा है या तुमने हृदय की बात सुनकर भी अनसुना कर दिया है, अगर आपको पता नहीं लग रहा है कि हम किस लिए यहां पे आई है और तुमने हमारे हृदय की बात को भी सुन के भी अनसुना कर दिया है, या हमारे हृदय ने बाय चांस गलती से तुमसे कुछ कहा नहीं है, तो हम कह देती हैं अब सुनो, हम कुछ भी नहीं चाहती हैं,
हमारा यहां कोई प्रयोजन भी नहीं है, हम केवल मात्र तुम्हारी इस भुवन मोहन रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए सब कुछ छोड़कर तुम्हारे चरणों में आई। तो जिनका भगवान से इस तरीके का प्रेम रहता है वही ऐसी बात बोल सकते, हम लोग ऐसी बात नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा तो उतना उस लेवल का प्रेम नहीं है। ये तो जो सब लेवल सेम लेवल के प्रेम वाले होते हैं वो ऐसी उनको सुना सकते हैं, ऐसी बात बोल सकते हैं। हम तो अभी दास्ता एकदम पूर्ण रूप से 100% दास्ता भाव में, हम तो हमारी ऐसी चीज बोल नहीं सकते, लेकिन वो उनका लेवल है, भक्ति का लेवल है। वो भगवान से पर्सनल 1-to-1 बात कर रही, भगवान को भगवान मान के नहीं बात कर रही। तो क्या बोल रही है कि हम केवल, अब हम आपको साफ साफ बता देते हैं कि हम केवल तुम्हारी मात्र इस भुवन मोहन जो त्रिभुवन तीनों भुवनों को मोह लेता है, जो तीनों लोगों को मोह लेता है, उस रूप को, उस रूप माधुरी का दर्शन रूप को देखने के लिए सब कुछ छोड़ के तुम्हारे चरणों में आई। ब्राह्मणियों की इस तरीके से दैन्य और प्रेम भरी बातों को सुनकर श्री कृष्ण ने उनसे कहा, तुम सब मुझको देखने आई हो तो ठीक है, ये युक्ति संग है, क्योंकि जो अपने हित अहित को जानते हैं और यथार्थ अपने जीवन के लक्ष्य को भी जानते हैं वे ही सर्वस्व त्याग करके मुझसे प्रेम करते हैं। तो भगवान ये उसका बता रहे हैं कि इस तरीके का प्रेम वही करते हैं जो जीवन के हित को जानते हैं कि जीवन का हित क्या है। तो भगवान बाहर से वो यज्ञ पत्नियां थोड़ी स्ट्रिक्ट आवाज में, स्ट्रिक्ट दृष्टि से बोल रही हैं, लेकिन भगवान उस प्रेम को पूरा की पूरा ग्रहण करें क्योंकि भगवान के ऊपर अभी उनका अधिकार हो गया है। जैसे माता यशोदा डांटती थी, बांध देती थी, क्योंकि माता यशोदा का प्रेम वो था कि भगवान के ऊपर उनका अधिकार हो गया है। इतना प्रेम उन्होंने इतनी भक्ति किया, भगवान को अपने अधिकार में ले लिया है, भगवान उनसे नाराज होकर कहीं नहीं जा सकते। यशोदा मैया से, गोपियों से, गोपियों भी ऐसी ताने सुनाएंगी जब उसमें, और अभी यज्ञ पत्नियां भी सुनाएंगी, क्योंकि उनका प्रेम इतना इस लेवल के है। जैसे कोई व्यक्ति, कोई फ्रेंड है, दूसरे फ्रेंड को कब सुना सकता है कि अभी तुमने ये भी नहीं किया, वो भी नहीं किया, कि उसको बुरा नहीं लगे, बहुत गाढ़ा हो प्रेम, तब जाके उसे कोई सुना सकता है। अगर दोस्ती बहुत, जो मित्रता है बहुत हल्के धागे जैसी, कच्चे धागे जैसी मित्रता है, तो दोनों एक दूसरे को कुछ बोलने में डरेंगे, दूसरे ही दूर से ही राम राम कर लेंगे, या थोड़ा बहुत बोल देंगे, या एक दूसरे की प्रशंसा कर देंगे। ये रिश्ते जो है एकदम कच्चे धागे जैसे, कि उनको लगता है कि कोई भी इमीडिएटली बुरा मान जाएगा, कुछ भी बोलने में बुरा मान जाएगा, तो लोग उनको अवॉइड करते हैं, दूर से रहते हैं, तो उसमें प्रेम नहीं रहता है, बस किसी तरीके से काम चलाओ है, किसी के तरीके से वैसे रिश्तों में काम चल रहा है, क्योंकि कोई किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, उसमें गाढ़ी मित्रता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एकदम गाढ़ी मित्रता है। तो भगवान भी ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम किस लिए आए हो, तो वो बोल रहे हैं, हम इसलिए आए हैं, ये गाढ़ी मित्रता प्रेम है, प्रेम का संबंध। तो भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे प्रेम के संबंध में ही लोग, तो तुम इसका मतलब, तुम ये बहुत अच्छी चीज है, तुम हित और अहित जानते हो कि अब तुम्हारा हित क्या है। इस जगत में सभी अपना हित चाहते हैं, किंतु वे विविध कामनाओं वासनाओं के जाल में फंसकर स्त्री पुत्र परिजन और विषय वैभव आदि को अपनाते हैं। उन्हीं विषयों में आसक्त होकर जन्म मृत्यु और सुख दुख के अधीन हो जाते हैं। इसलिए जगत के सभी जीव आत्महिताकांक्षी होने पर भी यथार्थ हित के स्थान पर अहित को ही हित समझते हैं। मतलब क्या उनके लिए अच्छा है उसको बुरा समझते हैं, और क्या बुरा है उसको अच्छा समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी को उपदेश देने लगे, अगर कोई किसी का वेल विशर हो, कई बार क्या होता है कि हम वेल विशर होके किसी को सलाह देते हैं, लेकिन वो व्यक्ति हमको अपना शत्रु समझने लगे, और शत्रु को अपना वेल विशर, शत्रु को अपना शुभेच्छा समझने लगे, तो क्या होगा उस फ्रेंडशिप में, क्या हो उस मित्रता में, क्या होगा? शुभेच्छु है जो वेल विशर है, जो आपका अच्छा सोचने वाला है, उसको आप शत्रु समझ रहे हैं, और शत्रु को जो है, जो आपकी फ्लैटरिंग कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको आप अपना मित्र समझ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? तो यहां पे यही बता रहे हैं कि जो हित को अहित, अहित को ही समझते हैं,
जो हितायत विचार करने में समर्थ है। तो जो हिताहित जो हितायत विचार करने में समर्थ है वे मनमोहक विषयों का भोग कर परित्याज करके मुझसे ही प्रेम करते हैं। इसके बाद आगे बोल रहे हैं, यदि साधारणतः प्रेम की रीति पर विचार किया जाए तो देखा जाता है कि आत्मा ही सभी के प्रेम का केंद्र है, इसलिए सब लोग आत्मा को मान के ही प्रेम करते हैं। तो ये सब हमने कल पढ़ लिया था। तो इसके बाद भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, प्रेमवती ब्राह्मणियों, तुम लोग सब कुछ त्याग कर मेरे पास आई हो और तुमने मेरा साक्षात दर्शन कर लिया है, इसलिए तुम्हारा सब प्रकार का अभिष्ट पूर्ण हो गया है। यद्यपि तुम लोगों का यज्ञ आदि से कोई संबंध नहीं है, फिर भी तुम्हारे पति यज्ञ के फल की प्राप्ति की आशा से बहुत दिनों से कठिन परिश्रम करके यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं। तुम लोग यदि यज्ञशाला में नहीं जाओगे तो उनका ये यज्ञ जो है पूर्ण नहीं होगा। और नॉर्मली गृहस्थों को यज्ञ आदि कर्मानुष्ठान करने के लिए पत्नी को साथ में लेना पड़ता है। यदि तुम अपने पतियों के साथ में नहीं जाओगे तो बिना स्त्रियों के वो यज्ञ में पूर्णाहुति नहीं दे सकते। उसके बाद बोल रहे हैं कि जो मुझसे प्रेम करता है, देखिए भगवान आगे बोल रहे हैं, जो मुझसे प्रेम करता है वो स्वभावतः ही दयालु होता है। ये भगवान से प्रेम करने वालों की ये विशेषता है। अतः याज्ञिक ब्राह्मणों के प्रति दया करके उनके यज्ञ अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए तुम्हारे लिए यज्ञ स्थल में जाना अति आवश्यक है। अतः हे परम दयावती ब्राह्मणियों, यज्ञ अनुष्ठान का समय प्राय व्यतीत होने जा रहा है, अब क्षण भर भी विलंब न करके अतिशीघ्र यज्ञ स्थली में चले जाओ। अब तुम सब मुझसे प्रेम करती है इसलिए तुम्हारी ग्रह आदि में आसक्ति नहीं रह सकती, किंतु याज्ञिक ब्राह्मणों का बड़े कष्ट से अनुचित यज्ञ कार्य भंग करना तुम्हारी जैसी सुशीला रमणियों के लिए कभी उचित। तो अपने पतियों का जाके जो है यज्ञ अनुष्ठान कंप्लीट करवाइए। तो इस तरीके से दोनों के बीच वार्तालाप चल रहा है। यज्ञ पत्नियां जाना नहीं चाह रही हैं और भगवान उनको बोल रहे हैं कि आप जाइएगा। और बाद में बोलती हैं कि हम इस वृंदावन में वृंद देवी की तरफ ही रह जाएंगे, अगर आप चाहते हैं कि हम भगवान ने बोला था ब्राह्मण पत्नियां हो तो आप मेरी वृंदावन में दासियां बन के नहीं रह सकती क्योंकि मैं वैश्य का हूं। तो कभी वैश्य परिवार के लिए ब्राह्मण परिवार की स्त्रियां दासियां बन के नहीं रह सकती। तो इसलिए ये सब इनका आपस में कन्वर्सेशन चल रहा है। कल ही हमने सारा डिटेल में पढ़ा था इस तरीके के प्रेम की बातें जो हैं। उसके बाद जो है इन ब्राह्मण पत्नियों ने सोचा कि हम कृष्ण के चरणों की सेवा तो इस जन्म में नहीं ले सकते कृष्ण के, क्योंकि भगवान ने बोला है कि हम ब्राह्मण पत्नियां हैं तो ब्राह्मण कभी वैश्य के चरणों का स्पर्श नहीं कर सकता। तो श्री कृष्ण की सेवा को अधिकार पाने के लिए तो हम नहीं कर सकती हैं, इसलिए वो निर्णय नहीं कर पा रही थी कि क्या किया जाए। या तो उनके चरणों का स्पर्श करने के लिए प्रयास किया जाए या उनकी बात मान के वापिस यज्ञ में चला जाए, वो निर्णय नहीं कर पा रही थी। इस प्रकार द्विज पत्नियों ने ब्राह्मण पत्नियों ने विविध प्रकार से विचार कर अंत में यह निश्चय किया कि यद्यपि हम श्री कृष्ण की चरण की सेवा के अधिकार से वंचित हो गई हैं, फिर भी हम उनके चरणों में एक दो बातों का निवेदन करेंगे कि वे हमें दासी के रूप में ग्रहण करते या नहीं। हम एक बार लास्ट टाइम अटेम्प्ट कर लेते, ट्राई कर लेते कि हमें दासी के रूप में कर रहे नहीं कर रहे, क्योंकि श्री कृष्ण के इस प्रकार उपेक्षा करने पर हमारी क्या गति होगी। हम अभी स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहे कि वास्तव में कृष्ण की क्या इच्छा है। हमारा निवेदन सुनकर कृष्ण क्या कहते हैं वो सुनकर कि हम अपना आगे का कर्तव्य डिसाइड करेंगे। यह विचार कर ब्राह्मणियां श्री कृष्ण के मुख मंडल की ओर बड़ी लालसा और सजल नेत्रों से गदगद कंठ से आंखों में अश्रु थे, ऐसा कहने लगी, हे विभो, हम आपको क्या कहें, आप हमारे भीतर बाहर सब कुछ जानते हैं, हम किस लिए आइए और हमारा हृदय क्या चाहता है, क्या आप सर्व अंतर्यामी हैं, आप ये नहीं जानते क्या, आपको तो अंतर्यामी बोला जाता है, आप तो परमात्मा, आप ये नहीं समझ पाते क्या।
अगर आप ऐसी निष्ठुर बातें करते हैं तो हमारे लिए आपके अलावा और कौन आश्रय है? जो हमारे हृदय को भाव को नहीं जानता, जो हमारे हृदय में अधिष्ठित या प्रतिष्ठित नहीं है, वह जो इच्छा कह सकता है। तो गोपियां बोल रही, इसका मतलब है कि आप ये नहीं जानते, इसका मतलब आप हमारे हृदय में विराजमान नहीं है। अगर आप हमारे हृदय में विराजमान नहीं है तो फिर आप तो कुछ भी बोल सकते हैं हमें, और अगर हृदय में विराजमान है तो आपको सब कुछ पता लग जाता हमारे हृदय में क्या चल रहा है। किंतु हे हृदय वल्लभ, वल्लभ मतलब होता है प्रिय, हे हृदय वल्लभ, क्या आपके मुख से ऐसी निष्ठुरतापूर्वक बात सुनने के लिए हमने आपको हृदय आसन पर स्थापित किया है? इसीलिए हमने आपको हृदय आसन पर स्थापित किया था कि आप ऐसी बात बोल देंगे कि आप चले जाओ। हम आपके पास सर्वस्व त्याग करके आइए, आप हमें वापिस यज्ञ स्थल में लौटकर जाने को कह रहे हैं। आपके ऐसे निष्ठुर वचन को सुनकर आपकी वाणी में भी असत्यता प्रतिपादित होती है। अब भगवान को वो और ताना मारे, भगवान को बोल रहे हैं कि आपकी वाणी में असत्य हो गई। आपकी वाणी कैसे हो गई वाणी असत्य? आप तो बोलते न स पुनरावर्तते, भागवत गीता में जो श्लोक उसमें बोलता है न स पुनरावर्तते, आपने बोला है कि जो एक बार मेरे पास में आ जाता है वापिस उसको पुनः वापिस भौतिक जगत में नहीं जाना पड़ता, तो असत्य हो गया आपकी वाणी। उसके बाद आगे देखिए क्या उनमें कितना ज्ञान है, उनको बोलती हैं। उसके बाद बोलती हैं कि आपने वेद वाक्यों में घोषणा की कि आपके चरणों में उपस्थित होने पर किसी को वापिस लौटना नहीं पड़ता है। उसके बाद आपने बोला है ये यथा माम प्रपदंते ताम सत्यम भजाम्यम, आपने बोला है कि जिस जो इस भाव से मेरी पूजा करता है मैं उसको ऐसा भाव प्रदान करता हूं। ये तो आपने भागवत गीता में बोला है, तो आपको हमारा भाव पता नहीं है क्या? उसके बाद आगे और बोलती हैं, शास्त्रों का सारा ज्ञान कृष्ण को सिखा रही हूं अभी, उन्हीं का ज्ञान। यत प्राप्य न निवर्तन्ते तदहम परमम ममम, मेरे पद के पास, मेरे पास पहुंचने के बाद किसी को वापिस नहीं जाना पड़ता है। यद प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, हम आपके पास आ गए मतलब आपके धाम पहुंच गए। ये आदि आदि इतने शास्त्रों के वचन आपने ही आदेश दिया था, आपकी वाणी है। किंतु आज हमारे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपके श्रीमुख की वाणी क्या मिथ्या पणित हो गई, वो क्या असत्य हो गई आपकी वाणी। तो ये कितना डिस्कशन करी, इनका प्रेम किस लेवल का है, किस लेवल का प्रेम है। ठीक है कि हम किसी प्रकार भी आपके चरण कमलों की सेवा अधिकारी नहीं है, ठीक है मान लिया, हम इतने हमारी भक्ति इतनी नहीं है मान लिया, आप हमारी उपेक्षा कर सकते हैं तो भी ठीक है। किंतु यदि हमें आपके चरणों में आकर फिर लौट कर जाना पड़ा, तब आपके श्रीमुख के निसृत आदेश वाणी में कोई विश्वास नहीं करेगा। आपकी जो भागवत गीता में और वेदों में जो वाणी दी है, अगर हम यहां से वापस चले गए, इसका मतलब है कि आपके जो आपने भागवत गीता में जो आदेश वाणी दिया उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। लोग बोलेंगे कि देखो यज्ञ पत्नियां उनके चरणों में आ गई, फिर इनको वापस यज्ञ के उसमें अपने घर परिवार उसमें वापस जाना पड़ा, जबकि भागवत गीता में आदेश भगवान देते हैं कि मेरे पास जो आता है उसको वापस नहीं जाना पड़ता। तो भगवान से डिस्कशन कर रही है अभी कि आपकी वेदों की वाणी गलत हो जाएगी। उसमें मिठास है अंदर से बाहर से, वो कठोर शब्दों में बोल रही है। अतएव हे नंदन नंदन, हमारे प्रति आप जैसा भी व्यवहार करना चाहे कर लें, किंतु हमें लौट कर जाने के लिए कहकर आप अपनी वाणी की असत्यता का प्रतिपादित कर रहे। आपने हमें यज्ञ स्थल में लौट कर जाने का जो आदेश दिया है उसके अनुसार हमें आपके आदेश के उसे हमें आपके आदेश के पालन के निमित्त लौट कर जाना चाहिए। ठीक है, आपने आदेश दिया, क्योंकि हम आपकी दासी हैं इसलिए आपके आदेश का उल्लंघन करना किसी भी प्रकार से हमारे लिए उचित नहीं है। विशेषकर हम यदि यज्ञ स्थल में नहीं जाएं तो हमारे पति यज्ञ समापन नहीं कर सकते हैं, जिससे वे यज्ञ फल की प्राप्ति से वंचित रहेंगे। ये आपका कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हमें उनके ऊपर दया करनी चाहिए क्योंकि हम आपकी दासियां हैं। तो दासियों का स्वभाव है, आपके भक्तों का स्वभाव है दयालु, इसलिए उनका यज्ञ पूर्ण करने के लिए हमें जाना चाहिए। अब देखिए भगवान के ऊपर किस तरह से कमेंट करें।
नाम कैसे बोल रही है देखे, किंतु है यज्ञेश्वर, मतलब सारे यज्ञों के स्वामी तो आप ही हैं। तो इसलिए शास्त्रों का ज्ञान है उनको पूरा के बारे। यज्ञेश्वर मतलब ये भगवान समझ जाएंगे सारे यज्ञों के भोक्ता तो वही है। हे यज्ञेश्वर, हम जब यज्ञ स्थल छोड़कर आपके चरणों में आने के लिए तैयार हुई थी, और हम उस समय हमारे पति ने, पिता ने, भाई ने, बंधु ने आदि सबने हमें बार बार मना करने के, रोकने करके जी जान की चेष्टा की थी, किंतु हम आपके चरणों के दर्शन की अभिलाषा से उनकी उपेक्षा करके चली आई थी। उस टाइम पे हम यदि अब यज्ञ स्थल में लौट कर गई तो हमारे पति हमें पतिता जानकर ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि हम घर से बाहर निकल गई और आपके दर्शन करने आई है, अब हमको वापस ग्रहण में घर में घुसने नहीं देंगे। हमारे आत्मीयजन स्वजन हमारे प्रति घृणा करके हमसे मुंह फेर लेंगे, यहां तक कि हमारे पड़ोसी भी हमसे बात नहीं करेंगे। अतएव अब हमारे लिए आपके चरण कमलों के अतिरिक्त कोई दूसरा आश्रय नहीं है। हमने अपना सब कुछ छोड़कर आपके चरणों में आत्मसमर्पण किया है। यदि आप यदि हमें ग्रहण नहीं करेंगे तो हम कहां जाएंगे? अतः हे अरिंदम, हे शत्रुओं का दमन करने वाले, आप शत्रुओं का दमन करते हैं इसलिए आपका नाम अरिंदम है। आपकी चरण सेवा की प्राप्ति के मार्ग में जो भी बाधाओं के रूप में जो शत्रु आ रहे हैं, अनंत रूपी जो शत्रु हैं, आप कृपा करके उनको नष्ट कर दें, क्योंकि आप अरिंदम हैं। हमें अपनी दासी बनाकर ग्रहण कर लें। हमने विद्वानों के मुख से सुना है कि जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका सहारा एकमात्र आप ही हैं। जगत में हमारे जैसा गतिहीन दूसरा कोई नहीं है। गति मतलब पदहीन, गति मतलब होता है परम गति, मतलब होता है भगवान होता है। तो ऐसा गतिहीन हमारा दूसरा कोई नहीं। अतः हमें अपने चरणों में स्थान देकर अगति को गति प्रदान करें। गति मतलब उस पद को जो आपके चरण कमलों के पद को प्रदान करें, चरण कमलों की दासी के पद को प्रदान करें। इस प्रकार ब्राह्मणिया श्री कृष्ण के चरणों में हाथ जोड़कर अनुनय विनय करकर भक्तों पर अनुग्रह करने वाले श्री कृष्ण के मुख कमल की ओर अपलक नेत्रों से देखने लगेंगी, देखने लगी कि वह क्या कहते हैं। बिना पलक झुकाए उनका रिएक्शन करते हैं। तो अब भगवान बोल रहे हैं 31 श्लोक में, श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच, पतय न अभ्य सुयेरन, पतयो नाभ्य सुयेरन, पित्र भ्रात सुत आदय, पित्र भ्रातृ सुतादय, लोकाच वह मया उपेता, लोकश्च वो मयोपेता, देवा अपि अनुमन्वन्ते, देवा अपि अनुमन्वते। तो आगे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप भगवान बोल रहे हैं, अभी तक यज्ञ पत्नियां ही बोल रही थी, भगवान सुन रहे थे चुपचाप, क्योंकि उनका अधिकार था उनके ऊपर बोलने का, उनकी भक्त है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उत्तर देते हैं, उनको आश्वासन देते हैं कि तुम यह विश्वास करो कि न तो तुम्हारे पतिगण तुम लोगों के प्रति शत्रु भाव रखेंगे, न ही तुम्हारे माता पिता भाई पुत्र अन्य संबंधी जन आम जनता करेगी। मैं स्वयं उन्हें सारी स्थिति समझा दूंगा, यहां तक कि देवता गण भी अपना अनुमोदन व्यक्त करेंगे। जो तुमने एक्टिविटी की, जो तुमने क्रियाकलाप किया यहां पे सारी चीजों को छोड़ के मेरे पास भोजन लेके आई और मेरे दर्शन किए और उस तरीके से मेरे प्रार्थना किए, मैं तुमको आश्वासन देता हूं कि जब तुम वापिस अपने पतियों के पास में जाओगी तो न तो पति तुमसे शत्रुता भाव रखेंगे, न भाई रखेंगे, न पुत्र रखेंगे, न संबंधी जन रखेंगे, न आप जनता रखेगी। यहां तक कि यज्ञ के देवता, जो देवता यज्ञ की आहुति ग्रहण कर रहे हैं और तुम यज्ञ से उठ के चली आई हो, यज्ञ के बीच में शामिल नहीं हुई, तो बोल रहे हैं कि देवता भी तुम्हारी इस चीज का अनुमोदन करेंगे, वो भी सहमति देंगे। भगवान इस बीत की गारंटी दे रहे हैं। तो इससे एक चीज फिर से प्रति भगवान के, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रजम अहम तम सर पापेभ्यो मोक्षयामि मा। जो मेरी शरण में आ जाते हैं सारे धर्मों का त्याग करेंगे। इन्होंने अपने सारे धर्म त्याग किए थे एक पत्नी में, लोक
लज्जा कुल पतियों की परमिशन, भाइयों की परमिशन, पिताओं की परमिशन, यज्ञ के देवताओं की परमिशन, सगे संबंधियों पड़ोसियों की परमिशन, सर्वधर्मान परित्यज इसको बोलते हैं। ऐसा ही जो सर्वधर्मान परित्यज ने किसने किया था, गोपियों ने किया था। तो सारे धर्मों का त्याग करके भी भगवान के पास है, तो भगवान जो है इनको एक्चुअली किसी कारण से, वो कारण हमको आगे समझ में आएगा क्यों वापिस भेज रहे हैं। भगवान चाहते तो उनको चरण कमलों की शरण में ले लेते हैं, लेकिन भगवान क्यों भेज रहे हैं ये वापिस आएगा। लेकिन साथ में क्या कर रहे हैं, कोई भी नाराज नहीं होगा, कोई आपको पाप नहीं लगेगा। सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम जब आम तुम सर्व पापे विमोक्ष, कोई पाप नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, और सारे लोग तुम्हारा सत्कार करेंगे, आदर सम्मान करेंगे, उनका आपके प्रति सम्मान बढ़ जाएगा। भगवान ये गारंटी दे रहे, बोले मैं उनसे उनको समझा दूंगा, समझा दूंगा मतलब पर्सनली बोलने नहीं जाएंगे, उनके हृदय को परिवर्तन कर देंगे। आगे बोलते हैं भगवान, भगवान भी उसी लैंग्वेज में उस तरीके से जैसा वो डिस्कशन करे बोलते हैं। भगवान को ऐसे कन्वर्सेशन में आनंद आता है क्योंकि ये भाव अलग है। आगे बोलते हैं भगवान, न प्रीतये अनुरागाय, न प्रीतये अनुरागाय हि अंग संग नृणामहि, अंग संगो नृणामहि तत्मनः मयि युञ्जना, तन्मनो मयि युञ्जना अचिरात् माम अपाप्स्वथ, अचिरान् माम अवाप्स्यत्। तुम सबों का मेरा शारीरिक संबंध में रहना निश्चय ही जगत के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मतलब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा ये जो है, तो मैं अगर फिजिकली तुम यहाँ पे रहोगे, पर्सनली रहोगे, तो क्योंकि ये तुम यज्ञिक ब्राह्मणी की पत्नियां हो, ये लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, नहीं इस प्रकार तुम मेरे प्रति अपने प्रेम को बढ़ा सकोगे। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने मन को मुझ पर स्थित करो और इस तरह शीघ्र ही तुम मुझे पा सको। तो अब एक क्या बोल रहे हैं आगे, भगवान ने संकेत दिया कि सामान्य लोग नहीं चाहेंगे कि ऊपरी तौर पर ग्वाल बाल प्रतीत होने वाले श्री कृष्ण तथा ब्राह्मण समुदाय के स्त्रियों के बीच इस तरीके का कोई प्रेम संबंध हो, और साथ में ही वियोग में ब्राह्मण पत्नियों की भक्ति तथा प्रेम में काफी वृद्धि होती। तो भगवान अभी उनकी भक्ति में और भी वृद्धि करना चाह रहे हैं। अभी जो इतनी प्रेम में वृद्धि हुई और भी वृद्धि करना चाह रहे हैं। दूसरे शब्दों में, यदि वे अपने मन को कृष्ण में स्थिर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यह विधि जिसको वे अभी तक चली आ रही है आजीवन चलती रहेगी। तो भगवान अभी कुछ टाइम में और इनको वियोग में रखना चाह रहे हैं, क्योंकि वियोग में जो प्रेम है, प्रेम की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, प्रेम की इंटेंसिटी तीव्रता बहुत हाई होती है। और इस तरीके से भगवान बोलेंगे तुम अपना मन मुझ में लगा लो। भगवान तथा उनका प्रामाणिक प्रतिनिधि आध्यात्मिक गुरु भगवान के भक्तों को पटुता से विविध प्रकार की सेवाओं में लगाते हैं, जिससे वे शीघ्र उनके चरण कमलों में वापस लौट सके। तो अभी इन यज्ञ पत्नियों का और ज्यादा समर्पण करना चाह रहे हैं भगवान, क्योंकि अभी ये जो ब्राह्मण पत्नी है, ब्राह्मण ये तो ब्राह्मण में कुल का थोड़ा सा अभिमान होता है, वो एक अभिमान जो बाहर पता नहीं लगता है कि हम ब्राह्मणियां हैं, ब्राह्मण हैं, तो कृष्ण ग्वाल बाल है। लेकिन ये चीज गोपियों के साथ नहीं थी, क्योंकि गोपियां भी ग्वाल बाल कुल में ही वैश्य कुल में हुई थी। इसके बाद भगवान उनको बोल रहे हैं, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात्, शर्वनाद दर्शनाद ध्यानान, मई भाव अनुकीर्तनात्, मई भावो अनुकीर्तनात्, न तथा सन्निकर्षेण, न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात तत्ग्रहान, प्रतियात ततो ग्रहान, मेरे विषय में सुनने, मेरे विषय में श्रवण करने, मेरे अर्च विग्रह स्वरूप का दर्शन करने, मेरा जो मूर्ति स्वरूप है अर्च विग्रह है उसका स्वरूप का दर्शन करने, मेरा ध्यान करने तथा मेरे नामों एवं महिमाओं का कीर्तन करने से ही मेरे प्रति प्रेम बढ़ता है, भौतिक सानिध्य से नहीं। तुम सोचोगे कि मैं भौतिक सानिध्य से
तुम मेरे पास रह लो, तो इससे प्रेम उतना नहीं बढ़ता है जितना ये सब चीजों से बढ़ता है, अतः तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ। तो हम गोपियों का भी देखते हैं, गोपियां भी भगवान की उच्चतम लेवल की भक्ति मानी जाती, लेकिन उनका ज्यादातर टाइम भगवान से विरह प्रेम में बीतता था, क्योंकि जब भगवान रोज तो रहती भी थी उसी गांव में उसी आसपास रहती थी, लेकिन जब भगवान गौचारण करने जाते थे, सुबह सुबह निकल जाते थे ब्रेकफास्ट करके, और संध्या जब अंधेरा होने लगता था आते थे, तो गोपियां तो उनका दर्शन तो कर नहीं पाती थी दिन में, उनके विरह में उनको याद करती रहती थी। तो जब भी संयोग होता था, जब उनके दर्शन की प्राप्ति होती थी, तो उस दर्शन से उनको शीतलता मिलती थी उनके हृदय को। तो इस तरीके से भगवान विरह के योग उसका भी बता रहे हैं। हम सब जीवों की स्थिति यही है एक्चुअली, हमको भी तो भगवान का भी संयोग प्राप्त नहीं है। अभी भगवान के संयोग प्राप्त करने के लिए जो है हमें और भी भक्ति, अभी हमारी तो भक्ति बहुत कम है, तो उस भक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद जो है आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, तो हम इसमें आचार्यों की टिप्पणी करते हैं, देखते हैं। तो श्री कृष्ण जो ऊपर बोला उन्होंने, उसके सेंटेंस जो दो तीन श्लोक बोले हैं उसमें श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम लोग यदि मेरे प्रति प्रेमवती हो और मेरा ही सुख चाहते हो, तो तुम मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगर तुम बोलते हो कि तुम मेरी दासियां हो, तो मैं चाहता हूं कि तुम वापिस यज्ञ स्थल में लौट आओ, अपनी हठता को, अपनी हठिता को परित्याग कर अपने अपने घरों में लौट आओ। तो इसके उत्तर में कुलवती नारियां जो बोलती कि हमने अपने पति के वचनों को उल्लंघन किया है, उनको तुच्छ समझकर हम घर से बाहर निकल के इतनी दूर ब्रज के आपके पास में आई है, स्थिति में हम वहां पे कैसे लौट सकते हैं। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम्हारे पति तुम्हें कभी भी दोष दृष्टि से नहीं देखेंगे, मैं तुमको वचन देता हूं। तुम्हारे सास ससुर की बात तो क्या, तुम्हारे प्रति कोई अन्य भी दोष दृष्टि से नहीं देखेगा। मयोपेता, मैं तो अभी तुमसे मिला नहीं हूं, क्योंकि मैं ईश्वर हूं, सबको जानते हैं, विशेषकर यज्ञ के उपलक्ष्य में आए हुए प्रत्यक्ष होने वाले देवता भी इस विषय में पूछे जाने पर आप लोगों की का ही अनुमोदन करेंगे, अतः तुम लोगों के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करेगा, तुम निश्चिंत होकर घर में लौट जाओ। और फिर आगे, फिर भी तुम इस प्रकार आंसुओं से भरे हुए नेत्रों से जो कुछ पूछ रही होगी कि क्या हमारी अभिलाषा मनोभिलाषा कभी पूर्ण होगी, तो उसका उत्तर मैं देता हूं, न प्रीति है, तुम्हारे अभिलाषित दासमय सानिध्य जीवन से जीव का मेरे प्रति अनुराग नहीं बढ़ता है, बल्कि मेरे प्रति विरह जनित उत्कंठा से ही मेरे प्रति अतिशय अनुराग बढ़ता है। अतः तुम लोग मेरे प्रति मन को अभिनिविष्ट कर अतिशीघ्र मुझको प्राप्त करोगे, मेरे गुणों के विषय में सुनो, मेरी लीलाओं के विषय में सुनो, मेरे अर्च विग्रह का दर्शन करो, मेरे रूप का चिंतन करो, मेरे नाम गुण आदि के कीर्तन से जिस प्रकार से भी मुझ में आ सकती होती हो, निकट में रहने से वैसी नहीं होती, अतः घर लौट जाओ। तो अभी एलिजिबल नहीं, उसके लिए योग्य नहीं, इसलिए उनको बोल रहे हैं कि आप अभी और थोड़ा कीर्तन भजन करो। इसलिए वो सारी चीज बता रहे हैं जो प्रहलाद महाराज ने बोला है, अर्च का विग्रह करना, गुणों को सुनना, मेरी लीलाओं को सुनना, मेरे रूप का चिंतन करना, मेरे नामों का चिंतन करना, कीर्तन करना। तो ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मन्यम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। साथ में भगवद गीता का श्लोक भी, मन मना भव मद भक्तो मध्य जी माम नमस्कुर। तो इस तरीके से मेरा आपका मन जो है विरह में मेरे उसमें लगाओ। ये भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि ये अभी उनका पूर्ण नहीं हुआ है, प्रेम पूर्णता हाईएस्ट लेवल पे नहीं पहुंचा है, काफी गाढ़ा प्रेम है, लेकिन फिर भी भगवान चाह रहे हैं कि और करें। इसके बाद आगे श्री शुकवाच, सुखदेव गोस्वामी चौथे श्लोक बोलते हैं, श्री शुकवाच, श्री शुकवाच इति उक्ता द्विज पत्नया, इति उक्ता द्विज पत्नयता
इति युक्ता द्विज पत्न्यस्ता यज्ञ वाटम पुनः गता यज्ञ वाटम पुनर्गता तेच अनुसूय वहताभि तेच अनुसूय वहताभि स्त्रीभि सत्रम अपारयन स्त्रीभि सत्रम अपारयन। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस तरह आज्ञा पाकर ब्राह्मण पत्नियां यज्ञ स्थल पर लौट गईं। ब्राह्मण ने अपनी पत्नियों से कोई दोष नहीं निकाला, इनफैक्ट वो प्रसन्न थे और उनके साथ में मिलकर उन्होंने अपना जो वो यज्ञ था वो किया। ब्राह्मण तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान कृष्ण के आदेश का पालन किया और वे अपने पतियों के यज्ञ स्थल को लौट गईं। तो इस तरीके से जो है ये उन्होंने भगवान के शुद्ध प्रेम का प्रस्तुति की। इस तरीके से श्री कृष्ण का अभिप्राय जान के वो लौट गए। उसके बाद अगले श्लोक में बोला जाता है तत्रेका विद्रता भद्रा तत्रेका विद्रता भद्रा भगवन्तं यथा श्रुतम् भगवन्तं यथा श्रुतम् तदा उपग्रह विजयो हृदयोपगुह्य विजयो देहं कर्म अनुबंधनम् देहं कर्मानुबंधनम्। तो उनमें से जब ये यज्ञ पत्नियां आ रही थी तो उनमें से एक यज्ञ पत्नी को उसके पति ने जबरदस्ती रोक लिया था। जब उसने अन्य कों के मुख से भगवान कृष्ण का वर्णन सुना तो उन्होंने मन ही मन उनका हृदय में ही भगवान कृष्ण का आलिंगन कर लिया और वो अपना भौतिक शरीर उसने वहीं पे छोड़ दिया और आध्यात्मिक शरीर से भगवान के पास चली गई। अपने चिन्मय देह से वो भगवान के पास चली गई। उसने अपना भौतिक शरीर उसके पति ने रोका, उसने वो भौतिक शरीर वहीं त्याग दिया। हृदय में इतना ज्यादा तीव्रता थी वो जाके भगवान के चिन्मय जो है यहाँ पर ऊपर लिखते हैं वर्णित महिला कृष्ण के प्रति विशेष रूप से समर्पित थी, उसे अपना भौतिक शरीर त्यागते ही आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया और यज्ञ स्थल छोड़कर भगवान से वो जा मिली। उसका इतना ज्यादा तीव्रता थी। उसने अपनी एक कर्म बंधन वाली देह को त्याग दिया और कौन सी देह को ग्रहण कर लिया, प्रेम बंधन वाली देह को ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पे उसके लिए ये क्या है, जो आध्यात्मिक शरीर था उसने कर्म बंधन को त्याग करके प्रेम बंधन वाली देह को अपना लिया, उसको स्वीकार कर लिया। इस तरीके से जो है ये यज्ञ पत्नियां वापिस लौट आई। उसके बाद आगे क्या होता है, भगवान अपि गोविंद भगवान अपि गोविंद तेने एव अन्नेन गोपकान चतुर्विधेनाश्रित्वा स्वयं च भुभुजे प्रभु। भगवान गोविंद ने ग्वाल बालों को वो चार प्रकार का भोजन कराया। गोविंद ने वो सब ग्वाल बालों को चार प्रकार का भोजन कराया। तो ये जो है तत्पश्चात सर्वशक्तिमान भगवान ने भी भोजन ग्रहण किया। तो ये जो है इस तरीके से उन्होंने सबके साथ में भोजन ग्रहण किया। तो ये जो है भगवान इस तरह से इसमें भोजन कर रहे हैं। अभी इसमें बैठ गए हैं लेकिन इनके जाने के बाद में उन्होंने फिर भगवान ने सब ग्वाल वालों ने को भोजन उन्होंने करने को बोला, उसके बाद में किया। एवं लीला नरवपुर नृलोकम अनुशीलयन
नलोकम अनुशीलयन रे मे गो गोप गोपीनाम रे मे गो गोप गोपीनाम रमयन रूप वाक रमयन रूप वाक कृते रमयन रूप वाक कृते। इस तरह अपनी लीलाएं संपन्न करने के लिए मनुष्य रूप में प्रकट होकर भगवान ने मानव समाज की रीतियों का अनुकरण किया। उन्होंने अपने गौओं ग्वाल मित्रों तथा गोपियों को अपने सौंदर्य वाणी तथा कर्मों से प्रमोदित करते हुए आनंद भोग किया। एक्चुअली ये भी गोपियों की कैटेगरी में आ जाती। तो ये जो है अब जो है इस तरीके से जब ये जो हाँ तो अब जो है इस तरीके से भगवान ने उनको आनंद दिया। एक्चुअली एक तरीके से ये भी गोपियां हैं लेकिन यज्ञ पत्नियां ब्राह्मण पत्नियां बोला जा रहा है क्योंकि गोप वंश में पैदा नहीं हुई है, गोप वंश में इनका जन्म नहीं हुआ है। ये जो है इन्होंने हालांकि मथुरा के रहने वाली ये भी ब्रजवासी नहीं है तो लेकिन इनको इसमें श्लोक में गोपियां बोला गया, वास्तव में गोप उसमें नहीं हुआ है। तो अपनी सौंदर्य वाणी से सबको इन्होंने भगवान को अपने भक्तों को प्रसन्न किया इसीलिए लीला की। तो मथुरा में जो वृंदावन के बॉर्डर पे जहाँ पे लीला हुई थी ये उस जगह का उस मंदिर का दर्शन है। इसको बोला जाता है भरत बिहारी, भरतरोड बिहारी या भरत बिहारी बोला जाता है कि इसमें जो है यहाँ पे ये भगवान को बोला जाता है कि भात दाल भात वो भी परोसा गया था, खिचड़ी दाल भात ये सब परोसा गया था। तो परिक्रमा में जाते हैं तो ये मंदिर पे जहाँ पे यज्ञशाला जहाँ पे ये लीला जो है हुई थी यहाँ पे ये जो है या वहाँ प्रसाद जो बना हुआ है इसका भरत बिहारी भात भात दाल बना के ये इसको संकेत देने के लिए है कि भगवान ने यहाँ पे ये प्रसाद जो है इस जगह पे ये प्रसाद को ग्रहण किया था। ठीक है आगे का श्लोक 38वां श्लोक है। ये भरत बिहारी जी का दर्शन था जो पहले किया ये भरत बिहारी जी का वहां पे भगवान का इस रूप में वहां पे दर्शन होता है। आगे है अथानुस्मृत्य विप्राह अथानुस्मृत्य विप्रास्ते अन्वत् जब ब्राह्मणों को चेत हुआ जब वापिस ये यज्ञ पत्नी आई और ब्राह्मणों को चेतना ही यज्ञ में तो जाके सीधे बैठ गए लेकिन जब ब्राह्मणों को चेत हुआ और वे अब बहुत अत्यधिक पछताने लगे। उन्होंने सोचा कि हमने बहुत बड़ा पाप किया है क्योंकि हमने सामान्य मनुष्य के वेश में प्रकट हुए ब्रह्मांड के दो स्वामियों की याचना को अस्वीकार कर दिया। कृष्ण और बलराम ने उनके पास में भोजन के लिए मांगने के लिए भेजा था ग्वाल बालों को लेकिन ब्राह्मणों को उस टाइम पता नहीं लगा। तो भगवान ने अभी यज्ञ पत्नी को बोला था ना कि मैं उनको समझा दूंगा आप जाइए वापिस। तो भगवान ने कैसा समझाया उनको, भगवान कृष्ण तथा बलराम ने ब्राह्मणों को छलने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने केवल सीधे भोजन की याचना की थी परंतु ब्राह्मणों प्रत्युत ब्राह्मणों ने अपने आप को धोखा दे दिया जिसका अर्थ हुआ कि कृष्ण और बलराम जैसे सामान्य मनुष्य के लिए मोहित तो हैं लेकिन उनको भी एक सामान्य व्यक्ति समझते। तो भी चूंकि ब्राह्मण पत्नियां भगवान की परम भक्त थी इसलिए मूर्ख ब्राह्मणों को भी आध्यात्मिक लाभ हुआ और अंत में उन्हें सुचेतना प्राप्त हुई, अच्छी चेतना प्राप्त हुई थी। कल किसी भक्त ने प्रश्न पूछा था कि ब्राह्मणों का क्या नहीं हुआ, तब जब ब्राह्मण भगवान की कृपा में मिले और जब ब्राह्मण पत्नियां वापिस आई तो ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ। यज्ञ तो कर लिया पहले फटाफट, यज्ञ की पूर्णाहुति कर ली लेकिन अब जब चेतना आई तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे कि उन मूर्ख ब्राह्मणों को भी
ब्राह्मण पत्नियां जो भगवान की परम भक्ति थी उसके कारण आध्यात्मिक लाभ हुआ और उन्हें सुचेतना मिली। इसके बाद आगे ये बोलते हैं, दृष्टा स्त्रीणाम भगवती, दृष्ट्वा स्त्रीणाम भगवती, कृष्णे भक्तिम अलौकिकम, कृष्णे भक्तिम अलौकिकम, आत्मानं च तया हीनम, आत्मानं च तया हीनम, अनुतप्ता व्यगर्हयन, अनुतप्ता व्यगर्हयन, अपनी पत्नियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के प्रति दिव्य भक्ति और अपने को उस भक्ति से विहीन देखकर उन ब्राह्मणों को अतीव खेद हुआ और वे अपने आप को धिक्कारने लगे। ब्राह्मणों को अभी अपनी पत्नियों का संग मिला और साथ में भगवान ने भी उनका वो सब चीज किया, तो अभी उनको बहुत धक्का लगा, उनको बहुत पछतावा हो रहा है। इसके बाद ब्राह्मण क्या बोल रहे हैं, दिक् जन्म न त्रिव्रत, दिक् जन्म न त्रिव्रत, धिक व्रतम धिक बहु ज्ञाताम, धिक व्रतम धिक बहु ज्ञाताम, धिक कुलम धिक क्रिया दक्षम, धिक कुलम धिक क्रिया दक्षम, विमुखः ये तु अधोक्षजे, विमुखा ये तु अधोक्षजे। तो शब्द में देखिए कितनी बार धिक आया, धिक जन्म त्रिव्रत धिक व्रतम, इसके बाद है धिक बहु ज्ञातम, फिर धिक कुलम, फिर धिक क्रिया दक्ष। कितनी बार अपने आप को धिक्कार दे रहे हैं ब्राह्मण, ये जो स्वर्ग जाने वाले स्वर्ग के लिए जो कर रहे थे, कितनी बार अपने आप को धिक्कार दे रहे हैं, हर चीज में धिक्कार दे रहे हैं। धिक्कार है हमारे इस ब्राह्मण तिबारा जन्म को, ये अभी तिबारा जन्म का हम बताएंगे, धिक्कार है हमारे ये तीन बार जो जन्म लिया है, धिक्कार है हमारे इस तिबारा जन्म को, धिक्कार है हमारे ब्रह्मचर्य को, धिक्कार है हमारे विपुल विद्वता को, धिक्कार है हमारे उच्च कुल ब्राह्मण कुल को, और धिक्कार है हमारे यज्ञ अनुष्ठान में हमारी जो निपुणता है, जो हम कुशलता है कि हम बहुत अच्छा यज्ञ करना जानते हैं, हम बहुत अच्छा मंत्र पढ़ना जानते हैं, धिक्कार है उसे। इन सबको धिक्कार है क्योंकि हम भगवान से ही विमुख, हम यही नहीं जानते थे कि भगवान कौन, तो सबको धिक्कार देते हुए। तो इसमें हमारे तिबारे जन्म को धिक्कार है, हम जो तीन बार जन्म लिया। तो जो यज्ञ करता ब्राह्मण होते हैं, देखिए हम जो अगर किसी ने कोई ब्राह्मण दीक्षा कुछ भी नहीं ले रखा है या ब्राह्मण नहीं है कोई, तो उसका जो उसको बोलते हैं शारीरिक जन्म है। जो हम पहला अपनी माता के गर्भ से जन्म लेते हैं उसको बोलते हैं शारीरिक जन्म या शुक्रीय जन्म, शुक्राणुओं के द्वारा शुक्रीय जन्म। दूसरा होता है जब हम ब्राह्मण दीक्षा ले लेते हैं या ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, हमारा जनेऊ संस्कार हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्राह्मण दीक्षा, दूसरा जन्म हो गया। ब्राह्मण दीक्षा दूसरा जन्म होता है, इसलिए नॉर्मली ब्राह्मण जो होते हैं उनको बोला था द्विज, द्विज मतलब जिनका दो बार जन्म हो चुका है। लेकिन जो यज्ञ करने के भी क्रिया को जानते हैं, यज्ञ करना भी जानते हैं, उनको यज्ञ के लिए भी एक दीक्षा मिलती है, यज्ञ करने से पहले मिलती दीक्षा, वो तीसरा जन्म होता है। उसके बाद वो याज्ञिक ब्राह्मण बन जाते हैं, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण, मतलब दूसरे ब्राह्मणों से ऊपर हो जाते हैं। तो इसलिए ये याज्ञिक तीन बार जन्म वाले थे, जब यज्ञ कंप्लीट कर लिया तो अभी तीन बार जन्म वाले हो गए। यज्ञ नहीं करने वाले होते, एक्सपर्टाइज नहीं होते, तो द्विज होते ब्राह्मण। तो तीन तीन बार जन्म लिया, शारीरिक जन्म, ब्राह्मण दीक्षा वाला जन्म, और वैदिक यज्ञ करने के लिए दीक्षा होती है, उसको तीसरा जन्म बोलते। पहला जन्म माना जाता है माँ के गर्भ से, वो भौतिक जन्म है। तो परब्रह्म भगवान कृष्ण से अनजान रहने पर ये सब व्यर्थ, तो सोच रहे कि सारा हमारा तिबारा तीन बार जन्म लेना भी व्यर्थ हो, हमारा कुल व्यर्थ हो गया, हमारा क्वालिफिकेशन विद्वता जो मंत्र मंत्र इतने बड़े बड़े मंत्र यज्ञ करने आते थे सब बेकार हो गया, क्योंकि हम भगवान सामने आए और जान नहीं पाए। और ये हमारी पत्नियां जो यज्ञ पत्नियां हैं, बिना कुछ वेदों का उच्चारण कर, बिना कुछ वेदों को ज्ञान किए करते, इन्होंने इन्होंने जान लिया कि भगवान कौन है, और उन्होंने भगवान की सेवा भी कर। इस तरीके से आज का ये यहाँ पे खत्म होता है, इसके बाद कल जो है हमारा इसका लास्ट लास्ट करके फिर साथ में अगला अध्याय भी चालू करें। हरे कृष्णा।
सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन ब्राह्मण पत्नियों की जय हो जिनके पास इतना ज्ञान है। किसी के कोई प्रश्न हो तो बता सकते। हरे कृष्णा। किसी के कोई प्रश्न हो तो बता सकते। तो प्रेम का जो है, ये प्रेम किस लेवल का होता है, ये हमें इन सब लीलाओं से देखने को मिल रहा है। किस लेवल का प्रेम है उनका। हम बोलते हैं हम भगवान से प्रेम करते हैं, तो प्रेम की परिभाषा समझना हो तो कि प्रेम की डेफिनेशन क्या होती है भगवान से प्रेम की, वो इन यज्ञ पत्नियों की लीलाओं से, गोपियों की लीलाओं से, वेणु गीत में, इन सब से हम सीख सकते हैं कि भगवान किस प्रेम की आकांक्षा करते हैं। सुमना गोरांग माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा बोजी दंडवत प्रणाम। जिस यज्ञ पत्नियों को रोका था उसने भौतिक शरीर त्याग दिया, इसका क्या अर्थ हुआ। उनको जिनको रोका गया था उनकी भौतिक शरीर त्यागने का मतलब है कि उनकी वहां पे मृत्यु हो गई, उस शरीर उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया और चिन्मय देह से वो भगवान के पास पहुंचे। चिन्मय देश है, अपने आत्मिक आध्यात्मिक देश में पहुंचे, क्योंकि ये उनकी जो तीव्रता है वो प्रेम की तीव्रता, वो इनका काम जल्दी हो गया, क्योंकि उनकी प्रेम की जैसे वियोग में विरह में के सब कहो तो विरह में और तीव्रता ज्यादा हो जाती, तो इसलिए उस तीव्रता के कारण इनसे थोड़ा सा जल्दी हो गया। अभी इसमें आगे में आएगा, इसके जब आचार्य लोगों की टिप्पणी पढ़ेंगे तो उनको इसलिए वापस भेज दिया इन सबको कि अभी आप इस जन्म में इस देह में आप मेरे को इससे ज्यादा प्राप्त नहीं कर पाओगे इस देह में, हालांकि इनको भगवान का प्रेम मिलता रहेगा, मन लगता रहेगा, लेकिन इस देह में इससे ज्यादा प्राप्त नहीं कर पाओगे। इस देह में तो भगवान स्पेशली करने हैं, लेकिन वो बोलने कि इस देह को त्यागने के बाद में आप मेरे पास में आ जाओगे, मतलब हो सकता है कि अगले जन्म में ये गोपियां बन जाए, तो भगवान उस चीज का वेट करें, क्योंकि भगवान उनको हाईएस्ट लेवल पे, उच्चतम स्तर पे ले जाना चाह रहे हैं। अभी तो अब अगला जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं होगा। ये यहाँ पे जो यज्ञ ब्राह्मण, उसके कारण क्या है कि उनके कारण क्या हुआ कि उनको थोड़ा सा वो एक अपने जाति का वंश का अभिमान, पहले ये सब बहुत होता था तो जाति या वंश का थोड़ा अभिमान, थोड़ा सा भी मान रह जाएगा, इतना सा भी अगर किसी के मन में रह गया है तो भगवान उसको जब तक शुद्ध नहीं हो जाए, वो आखिरी कण भी नहीं हट जाए, आखिरी कण भी नहीं हट जाए, तब तक उसको कर देते। तो भगवान कभी ये और ज्यादा उच्च भक्ति करेंगे और ऐसा लगता है क्योंकि भगवान ने बोला था आप अगले जन्म में मेरे साथ में आ जाओ, तो अभी इस जन्म में थोड़ी और भक्ति करने के लिए उनको लास्ट स्टेज जो है फाइनल, वो भक्ति करने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद लिखा है आचार्य की टिप्पणी कि इस देह को त्याग करने के बाद में आप मेरे पास में आ जाओ। हाँ, क्या ब्राह्मण पत्नियों के ज्ञान था कि वे भगवान है, उस समय तो गीता नहीं बोली गई थी, तो गीता ज्ञान ब्राह्मण पत्नियों के था, वो जो उदाहरण दे रही। हरि बोल। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो सबके लिए समझने के लिए कि माता जी, ममता गृहिणी माता जी का प्रश्न है कि उस समय तो गीता नहीं थी, गीता नहीं थी और उस समय ये तो ब्राह्मण पत्नियों को कैसे ज्ञान हो गया था। तो देखिए इसमें गीता तो 5000 साल पहले फिर से बोली गई थी, इसका ये मतलब नहीं कि गीता कभी पहले बोली नहीं गई थी। गीता के अगर हम पहले पेज में, इंट्रोडक्शन से पहले पेज में देखेंगे तो सृष्टि की रचना से पहले भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान ब्रह्मा को दिया था, चतुश्लोकी गीता के रूप में दिया था। ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान अपने पुत्र नारद मुनि को, मानसिक पुत्र नारद मुनि को दिया था।
अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग दिया था। हमारे संप्रदाय में नारद मुनि ने, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि, कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया था, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया था, नारद मुनि ने वेद व्यास जी को दिया था। तो ये कई परंपरा से चला आ रहा है। ये जो भागवत गीता का ज्ञान है, ये भागवत गीता के रूप में इसमें लिखा है, वेद शास्त्रों की वाणी के में ये था। तो वेद शास्त्रों की वाणी तो कभी चेंज नहीं होती। भगवान बोलते हैं ना, हम जो अलग अलग वाणियां बोली गई कि जो मेरे पास में आ जाता है वो कभी वापस नहीं जाता, ये श्लोक है। तो ये श्लोक तो भागवत गीता में फिर से बोला गया आज से 5000 साल पहले, अर्जुन को रिमाइंड कराने के लिए, अर्जुन को याद दिलाने के लिए, क्योंकि परंपरा में एवं परंपरा प्राप्ति, ये जो जो नॉलेज था वो परंपरा में नष्ट हो गया। लंबी परंपरा जब लंबी चलती है तो डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो इसलिए 5000 साल पहले अर्जुन को ये नॉलेज ज्ञान फिर से दिया गया था। इसका मतलब ये नहीं कि पहले ज्ञान कभी नहीं था, ये ज्ञान तो पहले गाया जाता था ऐसे भगवान के बारे में, तो उनको तो गोपियों, ये इनको यज्ञ पत्नी को ज्ञान था। दूसरी चीज है कि इनको भगवान मानती थी कि नहीं मानती थी, तो इनको इनका जो प्रेम था तो माधुरी में था, इसीलिए तो इनका ये रह गया, ये जन्म ले गए। प्रेम तो माधुरी में था, लेकिन साथ में मिक्सिंग भी था, दास्य भाव भी था। ये 100% शुद्ध माधुरी नहीं था, उसके साथ में दास्य भाव मिक्स था। उनको भी परमात्मा के रूप में और उनकी वो सब कर रही, प्रार्थना कर रही, ये इन्हीं भगवान को मान रही। जबकि गोपियों के केस में क्या होता था, गोपियों ने कृष्ण को, गोप ग्वाल वालों ने कृष्ण को भगवान नहीं माना, वो नारायण को प्रार्थना करते थे। और जब गर्गाचार्य ज्योतिष ने बोला था कि ये जो है ये भी आपके नारायण जैसे ही है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बोला कि भगवान है, इनमें नारायण जैसे गुण होंगे, नारायण जैसे होंगे। तो उसके बाद भगवान ने जब भी असुर युद्ध किए तो ये उनको लगा कि कोई ऐसे देवता हैं जो नारायण जैसे हैं, लेकिन इनका भाव जो था उनको परमात्मा के रूप में, एकदम इनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं मान रही थी, लेकिन साथ में दास्य भाव भी था। उस भाव से भी एक तो माधुरी भाव था भगवान से, इसलिए वो डिस्कशन कर रही थी, लेकिन भगवान मान के डिस्कशन कर रही थी, मतलब परमात्मा मान के, हायर परमात्मा मान के, एग्जैक्टली के यही भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी, ये नहीं पूरे कंसेप्ट के साथ में, परमात्मा मान के, बड़ा मान के वो कर रही थी, उनके ऐश्वर्य को मान के, थोड़ा सा ऐश्वर्य था। तो इसमें आता है कि भगवान ने उनको वापिस जाने से पहले उनके भाव में थोड़ा सा ऐश्वर्य डाल दिया था, जिससे क्या कि उनको भगवान मान के उनकी बात मान ले, नहीं तो फ्रेंड मानेंगे तो उनकी बात नहीं मानेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है इन्होंने भगवान की बात मान ली और वापस चली आई थी। 34वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण के आदेश का पालन, ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान कृष्ण के आदेश का पालन किया और वे अपने पतियों के यज्ञ स्थलों को लौट गई, लेकिन गोपियां कृष्ण द्वारा आदेश दिए जाने पर भी उनके साथ रास नृत्य में वन में रहती रही, वापिस नहीं गई। कृष्ण ने उनको भी वापिस जाने के लिए बोला था, लेकिन वो वापिस नहीं। तो इन दोनों के भाव में ये थोड़ा सा डिफरेंस आया, क्योंकि इनका भी घर परिवार है, तो ये थोड़ा सा उनको भगवान मान के सुंदरता, और उसके कारण भी हुआ कि भगवान का रूप है, माधुर्य था, लेकिन क्या है कि साथ में उनका वो वाला भाव भी था, दासी वाला भी थोड़ा सा भाव था। तो गोपियों का भाव जो है, उनकी भक्ति और भी ज्यादा तीव्र हो गई थी, पूर्ण हो गई थी, 100% हो गई थी, उसमें कोई दास और माधुरी भाव के, माधुरी भाव ही मैंने उसके अंदर छोटा 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 दास्य भाव और ये दूसरे भाव छुपे हो, लेकिन इसमें दास्य भाव भी सामने दिख रहा था कि ठीक है हम आपकी दासियां हैं, इस तरीके से करके उनका भाव आया था। और साथ में इनका दास्य भाव तो रहना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी था कि उनका पीछे घर परिवार भी था, तो अभी थोड़ा सा आसक्ति अभी बाकी था, कंप्लीटली फ्री नहीं हो पाई थी, तो इसलिए ये मतलब पूर्ण रूप से भगवान, आपके प्रश्न उत्तर है तो पूर्ण रूप से भगवान नहीं मान के, लेकिन फिर भी एक उनके प्रति परमात्मा और ऐसा बड़ा व्यक्ति मान के उनके प्रति आदर था। उसके बाद में है कमलेश प्रभु का प्रश्न है, अच्छा उससे पहले नीलम भागचंदानी माता जी का प्रश्न है, हरे कृष्णा प्रभु जी, ये यज्ञ पत्नियां गोलोक में किस स्वरूप में रहती हैं? अभी गई नहीं है, इस लीला में अभी गोलोक गई नहीं है, लेकिन ऐसा ये है कि ये जो है उसमें रहेगी, अगर आपको याद हो कि किस में जाएंगी, श्रुतिचारी मुनिचारी ऋषिचारी, जो गोपियां हमने बताया था
जो वेदों को जानती है वो करती है, वेदों को ज्ञाता है, ये आगे बताया जाएगा। जो वेदों को जानने वाली श्रुतिचारी मुनिचारी ऋषिचारी वो वाली कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है, आगे जाएंगे अभी इसके बाद। कमलेश ईशानी प्रभु का प्रश्न है, प्रभु जी हरे कृष्णा, इस भौतिक जगत ब्राह्मण भौतिक जगत जो में ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं बट दे नेवर फॉलो द फोर प्रिंसिपल्स, आर दे एलिजिबल, उनको ब्राह्मणों की कैटेगरी में नहीं आता। ब्रह्म इति जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है जो भगवान को जानता है वो ब्राह्मण है। जो चार नियम और ये सब जो ब्राह्मण ब्रह्म को जो भगवान को मानता है वो तो सब ये जो है चार नियम और ये सब तो पालन करता है, इसको तो पालन करने की जरूरत नहीं है, जन्म से ही पालन करने वाला होता है वो। जो वैष्णव परिवार में जन्म होते हैं उनको तो पता ही नहीं कि चार नियम को क्या ये कौन से, वो तो उसके जन्म से ही होता है कि ये तो चीज करना ही नहीं, उसके लिए चार नियम नहीं और भी कई नियम होते हैं लाइफ में। जो वैष्णव परिवार में अच्छे परिवार में पर जन्म लेते हैं उनको जो है ये चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल बताने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो ये फॉलो नहीं करते तो ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। तो ऐसे किसी भी ब्राह्मण को हम यज्ञ के लिए उसके लिए नहीं बुला सकते हैं जो चार नियमों का पालन नहीं करता, वो ब्राह्मण नहीं है वास्तव। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।